समाज की लड़की 3 लाख रुपए, गुजराती समाज की लड़की 6 लाख रुपए, सिख लड़की 7 लाख रुपए। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा जिसमें ये भगवे झंडे लेकर हिंदू राष्ट्र बनाने वाले ये लोग हैं, उसकी तगड़ी मांग, तगड़े प्लान में, और ये लोग अलग अलग समाज की लड़कियों को, नौजवानों को उकसा रहे थे कि अगर तुम उनको उकसा कर अपने प्रेम जाल में फंसाओगे तो आपको इतने लाख, 3 लाख 4 लाख 5 लाख, और सिखों की लड़कियों को फंसाओगे तो 7 लाख दिया जाएगा। अब सवाल है कि जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले भगवे झंडे पकड़कर खड़े हैं, मुझे ये जवाब सिखों से चाहिए, ये लोग कौन हैं, इनकी मंशा क्या है। मुझे ये जवाब जिन अलग अलग जातियों जैसे जैन हिंदू, राजपूत हिंदू या SC समाज के हिंदू, छोटी जातियां जिनको शूद्र भी कहा जाता है, ऐसी जातियों के लोगों की लड़कियों को फंसाना, तो ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है इन्हीं के बीच में। मैंने इसकी कई सारी वीडियोस देखी जिसमें इसने किसी को कैंसर था उसको कहा बालाजी के नाम से हल्दी खाओ, ये ऐसे डालकर दूध में पियो, ये करो तुम्हारा कैंसर चले जाएगा। किसी को कहा काले कपड़े में नारियल बांध कर बालाजी के मंदिर में ऐसे टांग दो ऐसी चीज़, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। जब ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बहुत सारे बाबा लोग होंगे तो कैसे ये देश का सपना पूरा होगा। आप सोचो, जो हल्दी पिलाकर किसी के कैंसर को दूर कर रहा है, किसी को नारियल बांधना, किसी को दूसरी चीज़ खा कर कहता है ये तुम्हारा रोग चला जाएगा, मेडिकल साइंस के अनुसार ये अंधविश्वास है। क्योंकि जो ट्रीटमेंट मेडिसिन से होता है ऐसे नहीं होता कि कोई हल्दी या दूसरी तीसरी चीज़ से। कितने लोग मर गए होंगे वहाँ जो अंधविश्वास अंधभक्ति में डूबे होंगे। ये तो खैर मैंने आपको थोड़ा सा धीरेन्द्र शास्त्री का माथा टेक कर और गुरुओं की प्रशंसा करके, क्योंकि ये एक RSS का बंदा और क्या कहते हैं उसको, एजेंसियों का बंदा, क्योंकि ये कोई भी इसके जीवन से, इसके गुणों से कहीं भी नज़र नहीं आता कि ये एक परमात्मा से जुड़ा हुआ, ईश्वर से जुड़ा हुआ संत है। ये दिखावे का बंदा है, इसकी बातों से पता चलता है। देखो, आज तो इसने एक धार्मिक स्थान गोल्डन टेंपल में खड़े होकर क्रिश्चियन धर्म के एक पवित्र शब्द को, हालेलुया को, बड़े वर्जन भाषा से यूज़ करके और क्रिश्चियंस लोगों को विधर्मी, वदेशी धर्म करके बहुत सारी बातों से, है ना, ऐसे उसने सुनते, थोड़ा सा आप सुनना। तो इसमें मैटर है बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का। तो ये थोड़ी वीडियो को जितने भी लोग सुनेंगे थोड़े सीरियस होना और अपना जो मन बुद्धि समझ ऐसे थोड़ा यूज़ करना आप लोग, क्योंकि मैं कई चीज़ें आपसे पूछने वाला हूँ, सिखाने वाला नहीं हूँ, आपसे पूछने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, ये बहुत लंबी वीडियो नहीं है, इसमें बड़े सारे पॉइंट्स है और बड़ी जागृति है हर एक कम्युनिटी के लिए। सो अभी जैसे ये धीरेन्द्र शास्त्री, शास्त्री का मतलब होता है शास्त्रों के ज्ञान को सीखा हुआ और सिखाने वाला, एक पढ़ाई सुलझा हुआ, एजुकेटेड और आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला। लेकिन जो एक परमात्मा से, परमेश्वर से जुड़ा हुआ जन होता है, वो भले ही किसी एक की पूजा करता हो लेकिन इंसानियत के खिलाफ नहीं होता, कभी किसी दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं होता, जो एक आध्यात्मिक जन होता है। लेकिन अरे हम जानते हैं कि ये धीरेन्द्र शास्त्री काफ़ी समय में बड़ी चर्चा में है, क्योंकि था तो बड़ा गरीब लेकिन कुछ ही समय में बहुत ऊपर आ चुका है, खरबों की प्रॉपर्टी, खरबों रुपए की जायदाद ये हिंदू लोगों से आई है, जो जिनको इसने वर्ग लाया है कि मेरे पास भगवान की शक्तियाँ हैं, मैं तुम्हारे जीवन को अच्छा कर दूँगा।
दुनिया में कहा जाता है कि अंधविश्वास से बचो, है ना। जैसे मैंने इसकी कई सारी वीडियोस देखी जिसमें इसने किसी को कैंसर था उसको कहा बालाजी के नाम से हल्दी खाओ, ये ऐसे डालकर दूध में पियो, ये करो तुम्हारा कैंसर चले जाएगा। किसी को कहा काले कपड़े में नारियल बांधकर बालाजी के मंदिर में ऐसे टांग दो ऐसी चीज़, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। हमारा जो भारत देश है, इसके सपने बड़े हैं कि ये अमेरिका जैसे बड़ा पावरफुल देश बने और ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी एंड साइंस टेक्नोलॉजी से भरा हुआ ये देश हो। तो जब ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बहुत सारे बाबा लोग होंगे तो कैसे ये देश का सपना पूरा होगा? आप सोचो, जो हल्दी पिलाकर किसी के कैंसर को दूर कर रहा है, किसी को नारियल बांधना, किसी को दूसरी चीज़ खाकर कहता है ये तुम्हारा रोग चला जाएगा। मेडिकल साइंस के अनुसार ये अंधविश्वास है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट मेडिसिन से होता है ऐसे नहीं होता कि कोई हल्दी या दूसरी तीसरी चीज़ से। कितने लोग मर गए होंगे वहाँ जो अंधविश्वास अंधभक्ति में डूबे होंगे। ये तो खैर मैंने आपको थोड़ा सा धीरेन्द्र शास्त्री का पिछले दिनों का रिकॉर्ड बताया जो ये कर रहा है अपने धाम में। लाखों लोग मिल रहे हैं, पहुंच रहे हैं, सिख लोग भी जा रहे हैं, दूसरे तीसरे सब लोग जा रहे हैं इसके पास। लेकिन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये जो भी कर रहा है, क्योंकि ये वो लोग जाने या सरकारें देखे या हमारे देश की मेडिकल साइंस देखे कि यह अंधविश्वास फैलना चाहिए कि ऐसे रहना चाहिए। लेकिन सवाल है यहाँ पर मनुष्यता का, इंसानियत का। अभी एक चीज़ याद रखो, धीरेन्द्र शास्त्री पंजाब में आया है और सिखों का जो बड़ा प्रमुख स्थान है, बड़ा ऐतिहासिक स्थान है जो पूरी दुनिया में फेमस है, दरबार साहब गोल्डन टेम्पल, वहाँ पर उसने जाकर सिखों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, माथा टेक कर और गुरुओं की प्रशंसा करके। क्योंकि ये एक आरएसएस का बंदा और क्या कहते हैं उसको, एजेंसियों का बंदा, क्योंकि ये कोई भी इसके जीवन से इसके गुणों से कहीं भी नज़र नहीं आता कि ये एक परमात्मा से जुड़ा हुआ, ईश्वर से जुड़ा हुआ संत है। ये दिखावे का बंदा है, इसकी बातों से पता चलता है। देखो आज तो इसने एक धार्मिक स्थान गोल्डन टेंपल में खड़े होकर क्रिश्चियन धर्म के एक पवित्र शब्द को, हालेलुया को, बड़े वर्जन भाषा से यूज़ करके और क्रिश्चियंस लोगों को विधर्मी वदेशी धर्म करके बहुत सारी बातों से, है ना, ऐसे उसने सुनते थोड़ा सा आप सुनना। ये जितनी भी विदेशी ताकतें हलीउल्लाह हैं, ये ना तो गुरुद्वारों में घुसे, ना मंदिरों में घुसे, ना भोले वाले हिंदू या किसी भी मजहब के व्यक्ति को बहराए। रघुवर के देश में जब तक ये विधर्मी लोगों के हाथ पांव नहीं कानून का सिकंजा मजबूत किया जाएगा, ये विधर्मी लगातार भोले वाले हिंदुओं को, सनातनियों को जगह जगह जाकर के प्रलोभन देकर के धर्मांतरण कर रहे हैं। तो अभी आपने सुना ना कैसे ये शब्दों को यूज़ कर रहा है। तो ये जो शब्द यूज़ कर रहा है ये संत के नहीं, क्योंकि जो संत होता है, जो आध्यात्मिक होता है, वो इंसानियत और किसी भी, है ना, जैसे गुरु संत महात्मा, है ना, जो कोई ईस्ट है उसके खिलाफ नहीं होता, ठीक है। तो ये खिलाफ है, ठीक है। तो इसके शब्दों से पता चलता है आज तो इसने सिखों का फेवर लेने के लिए सिखों के गुरुओं की, श्री गुरु ग्रंथ साहब की माथा टेक कर प्रशंसा करके उनको अपना बताकर या अपना मानकर अट्रैक्ट किया है। क्योंकि इसके पीछे एक षड्यंत्र है, एक कूड़ राजनीति है इसकी, इस बंदे की, इसके पीछे कोई तगड़ी सपोर्ट है, तभी ये ऐसी चीज़ें करते हैं लोग। लेकिन हमारे सिख बहन भाइयों, सावधान हो जाओ ऐसे लोगों से। अगर ये आज हमें गलत कह रहा है
कल को ये आपको भी नहीं छोड़ेगा। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र की तगड़ी मांग में है, ये बंदा धीरेन्द्र शास्त्री। और जब ये हिंदू राष्ट्र बनाएगा तो पंजाब का एक चप्पा जमीन भी उसमें बाहर नहीं रहने देगा, वो हिंदू राष्ट्र में ही होगी, ये बात याद रख लेना। और उसके लिए एक वीडियो बड़ा सोशल मीडिया पर चल रहा था, मेरे पास भी आया। इस वीडियो को हम देखते हैं और आप लोग राय देना ये वीडियो क्या है, क्योंकि मैं आपसे राय चाहूँगा, हिंदू अच्छे लोगों से या वो हिंदू लोग जो हिंदू राष्ट्र के पक्ष में नहीं है, वो चाहते ये भारत देश सेकुलर देश ही रहे, सब यहाँ इंसान सब धर्म मिलकर रहे, वो सब हिंदू जातियाँ जो अच्छी है या जिन्हें यहाँ छोटी जातियाँ ऐसी जातियाँ हिंदू कहा जाता है, तो इस वीडियो को देखते हैं। Over to your shoes, a pillar of evil sower, or within lucky little yard. Children, go on to your love, your evening, you have the bite, and grow their thoughts, you are here, true all the way. Free up your son, we help you with Moloch, all in all, there are people that want to go with two weapons for you. A one thing I like to like, Kubu, all you do will spoon out of it. तो अभी आप लोगों ने इस वीडियो को देखा जिसमें ये भगवे झंडे लेकर हिंदू राष्ट्र बनाने वाले ये लोग हैं, उसकी तगड़ी मांग तगड़े प्लान में। और ये लोग अलग अलग समाज की लड़कियों को नौजवानों को उकसा रहे थे कि अगर तुम उनको उकसा कर अपने प्रेम जाल में फंसाओगे तो आपको इतने लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख और सिखों की लड़कियों को फंसाओगे तो 7 लाख दिया जाएगा। अब सवाल है कि जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले भगवे झंडे पकड़कर खड़े हैं, मुझे ये जवाब सिखों से चाहिए, ये लोग कौन हैं, इनकी मनसा क्या है। मुझे ये जवाब जिन अलग अलग जातियों जैसे जैन हिंदू, राजपूत हिंदू या एससी समाज के हिंदू, छोटी जातियां जिनको शूद्र भी कहा जाता है, ऐसी जातियों के लोगों की लड़कियों को फंसाना, तो ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है इन्हीं के बीच में है, ये भी उन्हीं की फैमिली से है, देवकी नंदन है और भी कड़ी कई बाबा लोग हैं। अब सवाल है हिंदू राष्ट्र बनाकर ये लोग क्या करेंगे? ये बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे कि सब दूसरी जातियां है ना एक अच्छा वो उनका जीवन होगा। अगर आप उनको अच्छा जीवन देना चाहते तो भारत देश ही रहे आप, दो बोलो, आप सबको एक समान इस देश में क्या कहते हैं उसको, एक समान रखना चाहते हो, उन्हें दर्जा देना चाहते हो दूसरी जातियों को। अना पिछले दिनों में कई लोगों ने पूछा फिर सिखों का स्थान क्या होगा धीरेन्द्र शास्त्री को, उसने कहा बड़ा अच्छा होगा। अगर तुम इस समय अगर हम लोग सारी जातियों को कुछ अच्छा करना चाहते हैं सारे समाज सारे धर्मों के लिए, तो भाई सेकुलर देश रहने दो, इसी से दूसरों को भला करो, आपके साथ लोग प्रेम करेंगे, आपको मान्यता मिलेगी, इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा। लेकिन इसके बीच में इनकी मनसा ये नहीं है, क्योंकि बाइबल में एक जगह पर लिखा है मनुष्य के मन में जो है वो बाहर आता है। याद रखना, अगर क्रिश्चियंस लोगों के लिए इतनी गंदी भावना, ईर्ष्या, कठोरता, नीचता धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर थी तो उसने अपने शब्दों से उसके मुंह पर आ गई। अभी किस किस समाज किस किस लोगों के दिल में उसके अंदर क्या है, एक दिन आप सुनोगे, बाहर तो आएगा। लेकिन आप लोग सोचो, कमेंट्स करके बताना, जो ये वीडियो दी है भगवे झंडे और हिंदू राष्ट्र बनाने वाले ये लोग नौजवानों को उकसा रहे थे दूसरे समाज की लड़कियों को फंसाओ, इतने लाख मिलेंगे, फिर उन्हें ब्लैकमेल करना, ये सब कुछ बड़ा बुरा है। आप जानते हो 16
1700-1800 ईस्वी में हिंदू संस्कृति क्या होती थी। मैं ये कुछ चीज़ें पढ़कर आपको बताऊंगा। ये 1600-1700 ईस्वी में ऐसी चीज़ें चल रही थी, उससे पहले भी हिंदू संस्कृति में, जो जब अंग्रेजों ने इस देश पर शासन किया, उन्हीं गौरों को, जो भी बड़ा बदनाम किया जा रहा है ब्रिटिश सरकार को, उन्होंने 1830 में मनुष्य बलि की प्रथा को रोक दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। 1833 में स्वर्ण जाति में भी जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसमें प्रमुख सब कुछ होगी स्वर्ण जाति। स्वर्ण जाति आप समझ सकते हैं, स्वर्ण शब्द किसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको गोल्ड कहते हैं, स्वर्ण। तो ये जाति इसमें इस देश पर राज्य करेगी, सारी जातियों के ऊपर इनकी मर्जी होगी क्या करना है। उस समय भी ऐसा था, ठीक है। पहला बेटा गंगा दान करना, छोटी जाति शूद्र जाति पहले नर बच्चे को गंगा नदी में फेंक दिया जाना, ये स्वर्ण जाति के लिए नहीं था, छोटी जाति के लिए नहीं था। इसको भी अंग्रेजी सरकार ने इस प्रथा को बंद किया। 1835 में छोटी जाति के बच्चों की पढ़ाई का अधिकार दिलाया, लॉर्ड मिलाके की शिक्षा की नीति ने। अंग्रेजी सरकार ने छोटी जाति को भी कहा पढ़ने के लिए, स्वर्ण जाति का ये कानून नहीं था, मतलब ब्राह्मण जाति का। 1835 में 1829 में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबिंब, पति के मरने पर पत्नी को जिंदा जला दिया जाना, इस पर भी अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबिंब रोक लगा दिया। देवदासी प्रथा पर रोक, गरीब लोगों के लिए मंदिर में अपनी बालक लड़की को देवदासी के रूप में दिया जाता था, जिसके साथ शारीरिक शोषण किया जाता था। बच्चा होने के बाद उस लड़की को मंदिर से बाहर निकाल दिया जाता था और उसके बच्चे को हरिजन का नाम दिया जाता था, नीच, बहुत नीच छोटी जाति हरिजन। तो इस पर भी अंग्रेजी सरकार ने रोकथाम लगा दी। इसके बाद 1849 में औरतों की शिक्षा के लिए पहला कन्या स्कूल कलकत्ता पश्चिम बंगाल में खोला गया, ये भी अंग्रेजी सरकार के द्वारा। और उसके बाद ये सबसे नीच चीज शील भंग की प्रथा को खत्म किया अंग्रेजी सरकार ने। इस प्रथा में नई दुल्हन को अपनी पहली रात मंदिर के पुजारी के पास भेजा जाना अनिवार्य था। तो ये थी हिंदू संस्कृति जब हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं का राज्य था, स्वर्ण जाति का इस देश के ऊपर सारा वागडोर था। कई चीज़ें और भी थी, जैसे छोटी जाति भगवान का नाम नहीं ले सकते थे, मंदिर में एंट्री नहीं कर सकते थे, ऐसी चीज़, ठीक है। अब सवाल है, ये जो बंदा है नरेंद्र शास्त्री, इसी जाति का है, इसका यही मकसद है, इसका यही लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र बनाकर क्या करना। इसके पीछे बहुत सारी एजेंसियां और इंडिया के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो ऐसी चीज़ करना चाहती है। तो मेरे सिख भाइयों और छोटी जाति हिंदू भाइयों और जितने भी लोग इंसानियत को मानते हैं, आप न्याय करो कि ये धीरेन्द्र शास्त्री आज तो क्रिश्चियंस के एक पवित्र शब्द हालेलुया है ना, उसका अपमान किया उसने, कल को ये क्या क्या करेंगे, क्योंकि इसके पीछे सपोर्ट है, क्योंकि बड़े बड़े स्टेट्स के मुख्यमंत्री इसके पाँव पर आकर गिरते हैं और तगड़ी सपोर्ट है, जिसकी वजह से ये घमंडी हो चुका है, कुछ भी बोल रहा है। और इसका मकसद क्या है, पंजाब का जो भाईचारा है, पंजाब में जो अमन शांति है, उसको भंग करना, आपस में लोगों को लड़ाना और सत्ता की रोटी सेकना और कुर्सियों पर बैठना, इसे बोलते कूड़ राजनीति और बोलते कूड़ प्रचार, जो इधर आकर ये कर रहा है, कृष्णों और सिखों को वगरा कर आपस में लड़ाना चाहता है। तो आप लोग न्याय करना, क्या करना चाहिए, ऐसे बंदे को साथ देना चाहिए या अपने अपने धर्म को मजबूत करना चाहिए।
सिख भाइयों अपने धर्म को मजबूत करो, अपने लोगों को मजबूत करो, ऐसे लोगों के पीछे मत लगो, क्योंकि क्रिश्चियंस लोगों के ऊपर जितने भी दोष लगाए जाते हैं वो सारे के सारे बेबुनियाद हैं। क्योंकि अगर जबरन या पैसे देकर लोगों को क्रिश्चियन बनाया जाता है तो क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ बहुत मेजोरिटी में अमेरिका, कनाडा, यूरोप, इंग्लैंड, जहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी मेजोरिटी में, क्या वहाँ आपको जबरन क्रिश्चियन बनाया जाता है, पैसा देकर क्रिश्चियन बनाया जाता है? या आपको पीआर चाहिए तो आसान काम है, हिंदू सिखो आ जाओ, पीआर चाहिए तो क्रिश्चियन बनो, क्या वहाँ होता है? ये सब झूठ है। यहाँ पर क्यों अलग अलग जातियों से लोग प्रभु में आए? एक तो प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और वो काम करता है, बाइबल में लोगों को लिखा, शिफा मिलती है, चंगाई मिलती है, वो हम प्रचार करते वो भी मिलती है। तो लोग छुटकारे के लिए अगर तांत्रिक बाबाओं के पास जाते हैं, अन्य जगहों पर जाते हैं कि हमें छुटकारा मिले, तो जब यीशु में मिलता है तो बिलीव करते ही, ये सच्चाई है। और दूसरा, यहाँ हर धर्म को एक समान रखा जाता है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो उन्हें अच्छा लगता है। आप लोग भी अच्छी चीज़ें करो तो आपके लोग आपके साथ रहेंगे। तो बस इस वीडियो से आप लोगों को बरकत मिले, आशीष मिले। हम सब धर्मों का सत्कार करते हैं, हम किसी के भी विरोध में नहीं है, लेकिन हमारा जो सुसमाचार प्रचार करने का विषय है वो हमें देश, हमारा भारत देश जो सेकुलर है, और संविधान हमें इजाज़त देता है, आपको भी सबको भी, आप भी करो हम भी करें, लेकिन हमें लड़ना झगड़ना, ऐसे गलत लोगों से बचकर रहना चाहिए। परमेश्वर आपको बरकत दे, आशीष दे। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया।